नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लद्दाख इमेजेस न्यूज़ जम्मू से। मैं हूं दिलीप सिंह। आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी की एक छात्र है जो यहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और एमएम कॉलेज से रोज़ इनका आना जाना रहता है। जो पेंटिंग्स अभी हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाई थी और उसी के रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे कि जब यहाँ से ये निकलती हैं इनको किस तरह की ये पेंटिंग्स लगती हैं और कितना अच्छा लगता है यहाँ से गुजरना। आइए बात करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देचन है। जी, तो जब आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से रोज़ आना, आपका जो आना जाना रोज़ाना जो आपका यहाँ से आना जाना रहता है, किस तरह से आपको फ़ील होता है यहाँ से निकलते हुए जब आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो सरदारी लाल जी ने यहाँ पे बनाई हैं, किस तरह सा लगता है आपको? एक्चुअली ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, पहले जीविल से स्टार्ट हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि एक तो एस्थेटिक वैल्यू दिखता है, मतलब सुंदर दिखता है बाहर से, जैसे आप ट्रैवल करते हो आगे पीछे से दिखने में बहुत अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पे हमें प्रमोट करने को दिखता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया, इंडिया गेट बनाया, पार्लियामेंट बनाया, तो नॉलेज मिलती है कि क्या है, कौन से मॉन्यूमेंट्स है, ये वो। और बाकी इससे एक और चीज़ क्या होती है कि क्लीनिनेस रहती है। जैसे इतना अच्छा बनाए तो ऑब्वियसली लोग खुद नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे गंदगी डालें, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आई थिंक सो। पहले से जो यहाँ पे दीवारें जो काफ़ी गंदी रहती थी और उसके कारण अब म्यूनसिपलिटी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये, तो अब ये जो बाकी की दीवारें हैं, म्यूनसिपलिटी से क्या कहना चाहेंगे कि उन ये दीवारों को ऐसा ही आर्ट मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन सारे दीवारों का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जितनी भी दीवारें गंदी हैं, गंदी है, उनके लिए अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि जब आप देखते हो तो दीवारों पे बहुत गंदगी होती है, स्पेशली जैसे पान खा के थूक दिया या कुछ भी होते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इससे दीवार साफ रहती हैं, लोगों को देखने में अच्छा लगता है। तो या आई थिंक सो ये अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे अगर कोई गंदा हो तो और भी इनको प्रमोट करना चाहिए ताकि दिखने में अच्छा दिखे, और जैसे आर्टिस्ट भी तो इससे प्रमोट हो रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। तो ये थी यूनिवर्सिटी की छात्र जो यहाँ से रोज़ गुजरती हैं और अपने व्यूज़ इन्होंने बताए हैं कि किस तरह से जो दीवारें हैं वो इसी तरह से पिक्चराइज होनी चाहिए, अच्छे अच्छे आर्ट उन पर बनने चाहिए। आइए आपको ले चलते हैं जहाँ से सरदारी लाल जी ने आर्ट बनाना जो शुरू किया है इस दीवार पे, आइए आपको ले चलते हैं वहाँ कि किस तरह से इनका जो आर्ट है वो यहाँ पे उन्होंने बनाया है। ये देख सकते हैं आप, पहला ये आर्ट है इनका। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे इन्होंने बनाया है, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ म्यूनसिपलिटी का जिन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप जो है लिया है जम्मू में, कि यहाँ पे इतना अच्छा आर्ट जो दीवारों पे बना रहे हैं कि किसी तरह की जो दीवारें गंदी यहाँ पे रहा करती थी उस गंदगी को मिटाकर यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे ये आर्ट बनना चाहिए। आइए दिखाते हैं आगे आपको किस तरह से इन्होंने यहाँ जो आर्ट, कितना खूबसूरत आर्ट बनाया है सरदारी लाल जी ने, जो जिनसे पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी। ये देखिए आर्ट कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये बनाया है, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है इस पे और वह काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, 40 सालों से इस काम में लगे हुए हैं और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये आर्ट है जो एमएम कॉलेज के बाहर दीवारों पे सरदारी लाल जी ने जो बनाया है, और म्यूनसिपलिटी का बहुत ही बड़ा और अहम हाथ है इसमें, और इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे लिया है। तो ये आर्ट है पूरा, आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है कॉर्नर तक, ये सरदारी लाल जी ने पूरा बनाया है, ये चित्रकारी, ये पेंटिंग्स ये उनकी बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये लास्ट में आ जाता है हमारा महाराजा हरि सिंह जी का जो महल है वो यहाँ पे इन्होंने बनाया है। तो ये सारा आर्ट जो है ये सरदारी लाल जी का बनाया हुआ है, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है यहाँ पे और काफ़ी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो हम धन्यवाद करते हैं सरदारी लाल जी का भी जो पिछले 40 सालों से यहाँ पे आर्ट, 40 सालों से इन्होंने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है अपना वो इन दीवारों पे उतार दिया है और दिखाया है कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये आर्ट बनाया है। बाकी मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि सरदारी लाल जी को, गवर्नर से भी अपील करूँगा कि सरदारी लाल जी को एक अच्छी सुविधा प्राप्त कराई जाए और उनको एक आर्टिस्ट होने का जो सही महत्व होता है
महत्व होता है वो उनको मिले। नए अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। लद्दाख इमेजेस न्यूज़ से दिलीप।